केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। साल 2023 में शाहरुख खान ने जबरदस्त धमाका पठान के साथ किया। ब्रेक के बाद शाहरुख के पर्दे पर जो धमाकेदार वापसी की, उस वापसी ने उन्हें एक बार फिर किंग खान बना दिया है। फिल्म पठान के रिलीज के 8 महीने बाद जवान के साथ उन्होंने थिएटर्स में एक बार फिर माहौल रंगीन कर दिया है। शाहरुख के नए अवतार का जलवा ऐसा है कि दर्शक तालियां और सीटियां बजाने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म ने 2 ही दिनों में 127 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जवान चोरी की फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म जवान को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। एक्शन और कहानी के तगड़े कॉम्बिनेशन के साथ फिल्म के देखने के लिए यहां लोग थिएटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा है कि फिल्म साउथ फिल्म की कॉपी है और एटली ने एक बार फिर फिल्म की चोरी की है। क्या है माजरा, आपको बताते हैं। फिल्म कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात करती नजर आई है। यही खासियत है कि जिसकी वजह से लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और साथ ही शाहरुख खान नयनतारा की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। एक्स यानी कि ट्विटर पर यूजर्स फिल्म को लेकर अपने अपने व्यूज रख रहे हैं। एक्स पर एक यूज़र ने ट्वीट किया और दावा किया कि ये फिल्म विद द म्यूआर्ची की कॉपी है, जो कुछ फिल्म को 1989 में आई तमिल फिल्म थाई नाडू की कॉपी है। इस फिल्म के सत्यराज में डबल रोल किया था। एक यूजर ने लिखा, जवान तमिल का ओरिजिनल वर्जन है। कुछ लोग शाहरुख की इसको कमल हसन की फिल्म इंडियन की कहानी से मिलती जुलती बताते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।